हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वी सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर। जाओ फ्रेंड्स, आज मैं फिर से जो है बीएससी नर्सिंग वालों का जो पेपर होता है 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर फिर से लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग एमएससीएम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियसली 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। ये जो है मैं छत्तीसगढ़ की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की क्वेश्चन पेपर ला रही हूँ, ठीक है, जो आयुष यूनिवर्सिटी है वहाँ की। तो इसको सारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और अदर स्टेट के भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम होता है जो INC ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर लिखा है, बट कोई कोई स्टेट में ये थर्ड ईयर में भी होता है, या GNM वालों का दूसरे ईयर में भी होता है, ठीक है। तो मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर, ये छत्तीसगढ़ की आयुष यूनिवर्सिटी की है। तो बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा कि दूसरे स्टेट का होगा तो अलग आएगा ऐसे करके, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ही है और ये 2019 का है और पिछले 10 साल का भी नीचे दिया हुआ है। तो मैं पूरा बताने वाली हूँ आपको। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट करना, कमेंट करके बताना अगर आपको ये PDF चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए क्वेश्चन पेपर, नए नए न्यूज़, वैकेंसी की न्यूज़ सारा अपडेट आपको मिल जाएंगे ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो फर्स्टली जो है ए सेक्शन में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हार्ट ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट ब्लॉक का पूरा बताना है आपको। फिर डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पूरा ये वाला। फिर शॉर्ट नोट्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्रोंकिक्टासिस, रिनाइट डिजीज, ठीक है। तो इतने सारे हैं। फिर सेक्शन बी, ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में लिखना है आपको। फिर OT नर्स का ही दिया हुआ है और एक्सीडेंट एंड हजार्ड लिखना है, ऑपरेशन थिएटर का, डिफाइंड डायबिटीज मेलिटस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारा चीज़ आपको लिखना है। फिर उसके बाद है डिफाइंड में है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये जो है 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर है। फिर देखते हैं 18 का, तो यहाँ पे 16 का दिया हुआ है, आगे होगा 18 का, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट का नाम दे करके डायबिटीज मेलाइटस के बारे में लिखा है। फिर है एटलेक्टोसिस, एटलेक्टासिस, पेरिटोनाइटिस, थैलेसीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, प्रिंसिपल ऑफ होमोडायलिसिस, एक्ने वल्गैरिस, पॉट्स डिजीज, टिटनेस, टैप्सिन, फिमिगेशन, नर्स रोलिना, प्रोसीजर ऑफ लंबर पंचर, ठीक। तो यहाँ पे फिर टाइफॉइड से रिलेटेड है, फिर प्री ऑपरेटिव का केयर, पेरी ऑपरेटिव का केयर, फिर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने का कुछ कुछ है। तो ये आपके 16 के क्वेश्चन हुए। फिर उसके बाद है, ये तो आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का है, यहाँ पे प्री यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, कॉलेज कॉलेज पैटर्न का है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2018 का क्वेश्चन पेपर है। 2018 में COPD, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, मतलब जो सेकेंड ईयर में उसमें COPD है और मेंटल में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये भी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। और PCOD होता है, ठीक है, जो कि यूट्रस से रिलेटेड है। तो सारा वर्ड सेम सेम होता है यहाँ पे। फिर राइट डिफरेंसेस लिखना है आपको, रिनल फेलियर, एक्यूट रिनल फेलियर, क्रोनिक रिनल फेलियर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, इम्फाइसिमा और इम्पायमा, ठीक। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स हैं। फिर सेक्शन बी का अर्थराइटिस है, और यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, एनेस्थीसिया से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ का शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है ये, फर्स्ट टर्म, तो ये सब आप मत देखिएगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का है और ये भी जो है यूनिवर्सिटी वाला ही है। फिर ये PU यूनिवर्सिटी का है। फिर उसके बाद आता है आपका 18 का, ये में भी सप्ली वप्ली का हो सकता है, ठीक है। तो ये मेन पेपर है यहाँ पे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CCF और लिम्फोमा, ये डिफरेंसेस है कुछ कुछ। फिर शॉर्ट नोट्स हैं आपका। फिर उसके बाद डायबिटीज़ मेलिटस, तो देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे हार्ट डिजीज़ में से एक आ रहे हैं और लंग डिजीज़, तो हार्ट और लंग्स
साथ में जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो आपका है उसमें से डायबिटीज़ वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सब आ सकते हैं, क्योंकि सेम सेम रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है। देखिए यहाँ पे 2018 में भी आया था और 2017 में भी COPD आया है, ठीक है, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप ये क्वेश्चन पेपर से ही पढ़ सकते पढ़ के जा रहे हैं तो आपका 65% से ऊपर मार्क्स कहीं नहीं गए हैं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। 75 नंबर का तो क्वेश्चन पेपर ही होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है बार बार, ठीक है। जो मैंने पहले यहाँ पे देखिए अर्थराइटिस दिया है, इसी अर्थराइटिस का 2019 में फुल डिस्क वो लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है ना। अगर आपको राइटिंग पैटर्न कैसे लिखना है वो उसका वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना आप लोग, अगर आप लिख नहीं पाते होंगे अच्छे से, अच्छा मार्क्स नहीं मिलता होगा तो। फिर ये 2017 का है आपका, ये इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड है, यानी कि इंटेस्टाइन वाले जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है आप लोग को उसी में से ही है। प्लूरल इन्फ्यूजन लंग्स वाले में से है, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटिक अर्थराइटिस, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा ब्लर है अभी। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो है आपका 2016 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गए, और यहाँ पे 15 हो गया, और यहाँ पे 14, ये 13 का है। तो फिर ऐसे करके आप लोग के लिए पूरे 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ लास्ट का दिखा देती हूँ, 30 पेज है टोटल, ये देखिए 2007, ठीक है, 2007 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक करना, शेयर करना सबके पास, ताकि ये क्वेश्चन सब पेपर सबको मिले और सब इसी क्वेश्चन पेपर से आगे का तैयारी कर सके, ठीक है। और आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करना, कमेंट करके बताना, फिर मैं ये PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर या नेक्स्ट वैकेंसी वीडियो या नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।